पीयूष पारे के पास, क्या अपडेट है उनके? दिग्विजय सिंह जी, क्या कुछ मामला पूरा था? पंकज यादव पूर्व हमारे मंडी अध्यक्ष व पूर्व सरपंच को सुबह 8:30 बजे वोट भी नहीं डालने दिया, गिरफ्तार करके ले गए। मैंने जब पता लगाया, उन्होंने कहा साहब इसका नाम गुंडा लिस्ट में नाम है, तो मैंने कहा ठीक गुंडा लिस्ट दीजिए, तो मुझे उन्होंने गुंडा लिस्ट दी है ये। हाँ ठीक है, अब उसमें करीब 17 लोग हैं, उनमें से केवल उसको अरेस्ट किया गया। क्यों? जबकि ये यशवंत उर्फ भूरिया पिता दयाराम गुर्जर मिठनपुर, ये भी गुंडा लिस्ट में, ये भाजपा के लिए काम कर रहा है खुलेआम। फिर दुर्गा प्रसाद पिता कैलाश नागर चिड़वानिया के, इनको भी उसमें है। ऐसे कई लोग हैं, तो भाई इसको अकेले क्यों बंद बैठाएंगे, सबको बैठाओ। तो सर आशंका है क्या कहीं ना कहीं आपको कि गड़बड़ी लगातार की जा रही है? गड़बड़ी नहीं है, परेशान कर कि कांग्रेस के लोग परेशान करो, झूठे मुकदमे डालो, उनको परेशान करो। जबकि पंकज यादव पे 2019 के बाद से आज तक एक भी क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो राजगढ़ सबसे आगे है मतदान में, किस तरह देखते हैं इस ट्रेंड को दिग्विजय सिंह जी? सर मतदान में बहुत आगे नजर आ रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं मतदाताओं का उत्साह इस सीट पर? बात यही है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि ज्यादा ज्यादा पोलिंग होना चाहिए। सर दिग्विजय सिंह जी कोई चुनौती? लालू प्रसाद जी मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने निशाना साधा है। जी स्थानीय स्तर पर रोडमल नागर है और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा है। सर मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी मुद्दा उठ रहा, कैसे आप? गलत, मुस्लिम आरक्षण है ही नहीं, झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री जी। ये देखिए एक तस्वीर हम दिखाते हैं शरद जी आपको, किस तरीके से यहाँ पर ये पचौर जो राजगढ़ संसदीय सीट का क्षेत्र है वहां पर अलग ही अंदाज में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिग्विजय सिंह मिल रहे हैं। एक आखिरी कंक्लूजन में लेकर सर, अब तक का चुनाव को परसेंटेज से कितना संतुष्ट है दिग्विजय सिंह जी? सर कितना आप संतुष्ट है अब तक की प्रक्रिया से? सर बात यह है, वैसे तो छुटपुट घटनाएं हैं, लेकिन 2-4 प्रकरण ऐसे हैं जहां पूरी तरीके से प्रशासन ने दबाव में काम किया है। राघोगढ़ में 2 भाई हैं, एक राजू रघुवंशी, एक राजीव रघुवंशी, एक उपाध्यक्ष है नगर पालिका आरोन का और दूसरा है सरपंच राजू रघुवंशी, उनको पहले जिला बदर कर दिया था। कोई खास केस है नहीं, छुटपुट मारपीट की जैसे होते हैं जैसे केसेस हैं। सर आपके खिलाफ जिला बदर कर दिया, कमिश्नर ने जिला बदर आदेश निरस्त कर दिया। चलिए।